हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, आपको साइंस पढ़ा रहे थे, साइंस में क्या पढ़ा रहे हैं, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम आपको बाबू है ना, आज आपका बाबू कौन सा थर्ड क्लास है ना, तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ा है, बेसिक डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, कौन कौन सा मेरा पार्ट है बाबू है ना, बाबू मेरा बकल कैविटी जिसको माउथ कहते हैं ना, उसके बाद ओसोफेगस है ना, उसके बाद स्टोमेक है, फिर लार्ज है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस है ना, इतना सारा क्या, इतना सारा क्या बाबू आपका जो भी है क्या डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या ऑर्गन्स है ना, पार्ट है उसका। ठीक, तो पहले क्या है बकल कैविटी, पहले क्या आपका बकल कैविटी है, तो बकल कैविटी में क्या क्या चीज आता है सर, तो बकल कैविटी में मेरा क्या आता है, टंग आता है। तो कल आपको टंग के बारे में बताया था ना, कल आपको क्या बताया था टंग के बारे में, कि कौन सा लोकेशन किस तरह का टेस्ट है ना बाबू, ये करता पता करता है, साल्ट सावर है ना, स्यूट स्यूट कहाँ से लगेगा, बिटर कहाँ से, लोकेशन आपको बता दिया था टंग का, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन। उसके बाद आपको क्या लिखा था कल, ये तीथ के बारे में, किसके बारे में लिखा था, तीथ के बारे में, लक्ष्मी वीडियो ऑन करो, अगस्त्य वो ऑन करो, किसके बारे में लिखा था, तीथ के बारे में है ना, तीथ के बारे में। तो हमारे बाबू एक एडल्ट, एडल्ट ह्यूमन के बाबू, एक जो एडल्ट आदमी है उसके पास बाबू कितना तीथ होते हैं, 32 तीथ होते हैं एक एडल्ट ह्यूमन के पास, वो टोटल कितना तीथ होते हैं, 32 होते हैं ना, तो 32 होता है, तो इसको हम लोग जा कहते हैं, आ आ आ इसको हम लोग क्या कहेंगे, जा कहेंगे। तो दो तरह का होगा, अरे दांत का देखते ना दो पार्ट में डिवाइड है ना जी, ऊपर नीचे, तो ये नीचे वाला है तो इसको लोअर जा कहेंगे, और ऊपर वाला जो रहेगा उसको क्या कहेंगे, अपर जा कहेंगे। तो 32 तीथ हुआ, जिसमें लोअर जा में कितना 16 तीर था, अपर जा में कितना 16 तीर, हमारे पास के टोटल कितने 32 तीर्थ है ना, इसी तीर्थ का आपको बंटवारा करना है ना। ठीक, तो तीर्थ बाबू 16 गो ऊपर जा में और 16 गो नीचे जा में है ना। ठीक, अब नीचे जा में ऊपर जा में बाबू दोनों क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, जितना तीर्थ अपर जा में होता है उतना ही तीर्थ क्या होता है, लोअर जा में होता है, कितना होता है, लोअर जा में होता है ना। ठीक, नेक्स्ट ये मैंक बाबू ऑन करो, कहने जी मैंक, मैंक बाबू ऑन करो वीडियो जी, मैं भोला। ठीक, तो नेक्स्ट बाबू क्या भोला, कि अपर जाम में कितना होता है, 32 होता है, लोअर जाम में कितना, अपर जाम में कितना होता है, 16 होता है, लोअर जाम में कितना होता है, 16 होता है ना। तो इसी का आपको क्या करना, बंटवारा करना, इसी का क्या करना, बंटवारा करना, तीर्थ का है ना, तीर्थ का क्या करना, बंटवारा करना। ठीक, अब कैसे कैसे बंटवारा करोगे बाबू, यही आपको क्या करना है ना, यही आपको क्या करना, कैसे कैसे हम लोग बंटवारा करेंगे इसी का आपको क्या करना। हमारे पास टोटल कितने तीत है, 4 टाइप्स के तीत है, कितने, 4 टाइप्स के तीत है ना, कौन कौन से है, 4 टाइप्स के, इंसीजर है, कनाइन है, प्री मोलर है, और कौन सा है, मोलर है ना, कौन कौन है मेरे पास, इंसीजर है, कनाइन है, प्री मोलर है, और क्या है, मोलर है ना। तो अब किसकी संख्या कितना होता है यही आपको क्या करना है, पता लगाना है ना, किसकी संख्या कितना होता है यही आपको क्या करना, पता लगाना है ना। ठीक ठीक बोला, नेक्स्ट बाबू ये तो आपको बताइए दिया था कल बहुत, तीर्थ का स्ट्रक्चर है ना, तीर्थ का ये क्या स्ट्रक्चर, हम लोग का तीर्थ इसी तरह से होता है, तो जो सबसे ऊपर वाला लेयर है तीर्थ में देखते ना, ऊपर क्या रहता है, व्हाइट पार्ट रहता है, क्या रहता है, व्हाइट पार्ट रहता है ना, तो जो व्हाइट पार्ट है बाबू वो मेरा किसका रहता है, बना हुआ इनामिल का, किसका, इनामिल का बना होता है, ये हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है, सर, बोन से भी एनामिल हार्ड, क्या होता है? अरे शैतान, आपका दांत पे बाबू व्हाइट कलर का क्या रहता है, एक लेयर रहता है व्हाइट वाला, देखो ना दांत है ना व्हाइट रहता है ना वो, ये तो ये जो हमारे पास क्या है सबसे, ठीक है ना, सबसे क्या स्ट्रॉन्गेस्ट है, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट हमारा, हमारे दांत का जो ऊपर वाला व्हाइट है बाबू है ना, वो क्या सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है ना, हड्डी से भी ज्यादा मजबूत होता है, तब ना हम लोग हड्डी को क्या, तब तब ना हम लोग क्या करते हैं, हड्डी को चबा लेते हैं। तो वही जो व्हाइट कलर है, जो दांत का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, उसी का नाम है इनामेल, उसी का नाम क्या है आपका, इनामेल नाम है, क्या नाम है, इनामेल नाम है ना, जो सबसे अपर वाला पोर्शन है व्हाइट कलर वाला जो पोर्शन, ठीक है, उसके अंदर चलोगे बाबू, अंदर चलोगे तो आपको क्या मिलेगा, डेंटिन मिलेगा, फिर पल्प मिलेगा, क्या फिर दांत के अंदर, दांत में डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, लेयर होते हैं ना, तो सबसे ऊपर वाला लेयर मेरा क्या होता है, दांत आप लोग देखते हो ना जी भाट भाट, तो ये जो लेयर है ऊपर वाला, यही आपका क्या इनामेल का बना रहता है, किसका रहता है, इनामेल, जो मेरा क्या है बॉडी का सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, हड्डी आप लोग जानते हो ना कि हड्डी होता है, हड्डी से भी क्या होता है ये हार्डेस्ट होता है, तब ना इसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, ये चबा लेते हैं हड्डियों को, क्या करते हैं हम चबा चबा के खा लेते हैं, क्या करते हैं चबा चबा के खा जाते हैं ना। हड्डी ठीक, को कौन नहीं, चबाता अरे शैतान चिकन लेग पीस नहीं खाता जी, तो लेग पीस खाता तो हड्डी का वो है? चूसते के, अच्छा यस सर, नहीं वो खाता, जो 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 खाता है वो हड्डी को क्या चबाता करता है, चूस हड्डी को चूसता है ना भोला, ठीक ना, है लेग हड्डी को पीस क्या करते, हाँ हड्डी को चूसते हो ना, तो वही होता है बाबू, तो दाते की सहायता से सर। खा, सहायता से खाते, दाते की सहायता से, नहीं समझना आप हल्ला मत करो। तो यहाँ पे बाबू देखो, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है दांत का जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दांत जो ऊपर वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्राउन कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, क्राउन कहेंगे। और दांत में देखना नीचे गम स्टार्ट होगा है ना, जिसको मसूड़ा आप लोग कहते हैं ना, तो गम के जस्ट ऊपर से जहां से दांत बेंड होगा, जहां से दांत बेंड होता है उसको हम लोग नेक कहते हैं, दांत का क्या कहते हैं, गर्दन कहते हैं। अरे मस्कुड़ा स्टार्ट होता है ना वो, मस्कुड़ा के ऊपर से है ना वो, मस्कुड़ा के जहां से दांत आपका क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नेक कहेंगे।
और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। दांत का बाबू जनरली ऐसे नॉर्मली दो हिस्सा, एक आपका क्राउन होता है, क्या होता है, रूट होता है। क्राउन रूट के बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नेक कहते हैं। क्या कहते हैं, नेक कहते हैं ना, नेक कहते हैं। और ये आपका क्या है, गम है, जो मसूड़ा आप लोग देखते हैं ना, सामने से जो दिखाई देता है वही आपका क्या हो गया, गम हो गया ना, गम हो गया। तो ये दांत का क्या है, स्ट्रक्चर्स है। ये रोशनी वीडियो ऑन करो, दांत का क्या है, स्ट्रक्चर्स है ना। अब दांत मेरा बाबू कितने टाइप के है, फोर टाइप्स का है। क्या है, फोर टाइप्स का दांत है, इंसीजर है, कनाइंस है, प्रीमोलर्स है, और क्या है, मोलर्स है ना। इतने टाइप के मेरा क्या होता है, दांत होते हैं ना, कितने टाइप के, फोर टाइप के। अब इंसीजर किसको कहेंगे इसको समझना, कनाइन किसको कहेंगे इसको समझना, प्रीमोलर समझना, मोलर समझना है ना। तो टोटल कितना टीथ है, 32 टीथ, शांति से समझो, टोटल 32 टीथ। आ आ आ आ तो 16 गो नीचे वाला जाम है और 16 गो ऊपर वाला जाम है, ठीक। आगे समझना, तो जो इंसीजर की संख्या होता है टोटल 32 है, इंसीजर की संख्या मेरे पास कितने होते हैं, 8 होते हैं। आपको ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, इंसीजर 8 गो, कनाइन आपके पास कितना है, 4 है, 4 कनाइन हो गया। प्री मोलर कितना है आपके पास, 8 है, ठीक। मोलस कितना है, 12 है, मोलस कितना है, 12 है। टोटल 32 दांत हुआ ना, टोटल आपके पास कितने, 32 टीथ होते हैं नॉर्मल आदमी के पास बाबू, 32 टीथ। तो किसी सर किसी मेरे का पास ठीक, तो 31 है। अच्छा ठीक है, किसी किसी का 30 होगा, किसी किसी का 31 होगा, किसी किसी का 34 होता है, 33 होता है ना। तो हमको वो जनरल, हम लोग जो भी बाबू पढ़ते हैं जनरल आदमी के बात में है ना। अभी आपका फूजा नहीं बाबू है ना, शैतान है इस, आगे बड़ा हो जाओगे तो वो भी आ जाए, पापा के 30 गाउन। हम लोग जो एडल्ट ह्यूमन है, किसका, एडल्ट ह्यूमन नॉर्मल आदमी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पापा जी का मुंह ऐसे कह, दांत गिनना पापा जी, तो कितना होगा, 32 होगा। अगर एक आगो दांत बाहर नहीं निकला होगा पापा जी का है ना, जो गर्ल्स हो वो मम्मी जी का दांत जाके गिनना, मम्मी जी मुंह फाड़े से करके दांत गिनना, टॉर्च जला के है ना, मोबाइल का फ्लैश लाइट जला, तो कितना काउंट करोगे। काफी काफी अच्छा ठीक है, कितना काउंट करोगे, 32। 23 है सर, आपके 32 है। हम भी नहीं काउंट करने गए, ठीक है ना, हम भी काउंट नहीं करने गए, ठीक है ना, कितना जाए बाद में। अच्छा ठीक है, आज बताए, आज काउंट करके बता देंगे। तो टोटल 32 टीथ होते हैं। तो टीथ कितने टाइप के, चार टाइप के, समझना, इंसीजर है, कनाइन है, प्रीमोलर है, मोलर्स है, ठीक। नेक्स्ट, इंसीजर की संख्या 8, कनाइन की संख्या 4, प्रीमोलर की संख्या 8 और मोलर की संख्या 12। 12 8 20, और ये 12 है ना, 32, ठीक ठीक है ना। तो जो दांत है वो दो पार्ट में डिवाइड है, लोअर जाम में है, अपर जाम में है, ठीक। तो कनाइन किसको कहोगे, इंसीजर किसको कहोगे, तो आगे का फ्रंट वाला, जैसे मारो बाबू शांति समझना है, 8 है ना जी, तो चार चार रहेगा, 4 को लोअर जाम में, 4 को किस में, अपर जाम में। मेरे पास 8 को कनाइन है, आपका क्या इंसीजर 8 को है, तो 4 को ऊपर है, 4 को नीचे। तो आगे का फ्रंट का जो चार दांत है ना, 1 2 3 4, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कनाइन है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनसीजर कहेंगे। आगे का, सर अच्छा रुको वीडियो दिखाते शैतान, देखो ऐसे नहीं समझ में आएगा इस सबको, वीडियो देखो, वीडियो देखो, कहाँ सर मेरे पे इनसीजर है, कहाँ पे मोलर है, इसको समझो, यूज कौन कीजिए सा जी। अच्छा वीडियो देखो, दिखा रहे हैं दांत वाला देखते हैं, दांत का इमेज लगता है डाले थे कि नहीं डाले थे। अच्छा सर? डाले थे, खाली दिखाए थे डाले थे, कौन से सबसे फोल्डर में था, पहले तो अच्छा टीथ वाले में, टीथ वाले में सर ठीक है, देखते हैं बाबू ये कौन है, नेक्स्ट बाबू। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन हल्ला नहीं, हल्ला नहीं, सर वीडियो ब्लर आने लग गया अच्छा ठीक है, हो जाएगा सर। सर, ठीक है तो मेरे में तो ब्लर आ रहा है कोई कौन से फोल्डर में, तीत करके फोल्डर था जी, डाइजेस्टिव नहीं सर, डाइजेस्टिव सिस्टम में था। सिस्टम में था जी, यादव नहीं बोला कहाँ पापा खाने। सर का पूरा वीडियो ब्लैक हो गया था अभी, और निका अच्छा नेटवर्क भी नहीं दिखा रहा था। मेडिसिन, मेटलर्जी, सर स्केल्टन, इसमें था जी, इसमें तो नहीं है। अच्छा रिप्रोडक्शन अपने सर वो नहीं पढ़ाया एनिमल्स का, अरे तू ब्राउन एनिमल का रिप्रोडक्शन पढ़ा देंगे, इसके बाद कहाँ था भोला, कहाँ चल गया जी।
कौन सा कल में था बोला? बायोलॉजी में था बोला, इसी में होगा तो होगा, हाँ डाइजेस्टिव सर, सिस्टम। बायोलॉजी में तो सर और बोला ना आपको तो। टाइप्स ऑफ स्क्रीनशॉट इधर 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 नीचे नीचे चलो शांत रहिए, म्यूट कौन से वाले ऑन एक साइड एवरेज से तो बंद होता ही हो। करो, किसका म्यूट है जी? म्यूट कीजिए। देखो बाबू, किसी का तीत है, शांति से समझना है ना, क्लियर एकदम दिख रहा है? भी वीडियो ऑन करो बाबू, सर लक्ष्मी थोड़ा सा बाबू। ऊपर अच्छा कीजिए। ठीक है, ऊपर कर रहे हैं ठीक। सर यही आपका क्या बाबू? तीत है, शांति से समझना है ना, ये इसमें क्लियर है ठीक आपको? ऐसा रहो तो ऊपर वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको अपर जा कहेंगे, ऊपर वाला जो दिख रहा है उसको अपर जा, नीचे वाला को लोअर जा। तो अपर जा में 16 तीत और लोअर जा में कितना तीत? 16 तीत। ठीक, आगे का फ्रंट का 4 को काउंट करो। बढ़िया इमेज है आपका, देखते हैं कब। ठीक, आगे से फ्रंट से 4 को काउंट करो तो उसको क्या कहेंगे? इंसीजर कहेंगे। फ्रंट से आगे से काउंट करेंगे बोला तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? इंसीजर कहेंगे है ना। सब भाइटे भाइट है, साथ दांत बहु पीला वाला दांत चाहिए था। आपका है ना, दिखा दीजिए। हाँ मेरा पीला वाला, सही बात है। देखो शांति से समझाते हैं। रबर नेक्स्ट देखो, यहाँ आयरो दिख रहा है ना, आयरो दिख रहा है बाबू? जूम कर दे भोला। चलो आप दिखा। दिख रहा है, दृश्य रहा है। हाँ अब शांति से समझना, देखो एकदम अब अच्छे से दिख रहा है सर ना। मेरे दो इंसिजर्स ऊपर से शांति है। समझना, समझते चलना। ये आगे का 4 गो दांत है, ऊपर जा, अपर जा हो गया, लोअर जा हो गया। लोअर जा वाला क्लियर दिखा? 1 2 3 4। तो ऊपर का जो फोर्थ टीथ है इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंसीजर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इंसीजर कहेंगे ना। इसका फंक्शन होता है, हर एक दांत का क्या होता है? फंक्शन होता है। हर एक दांत का क्या होता है? फंक्शन होता है अपना अपना, है ना। ठीक, तो इंसीजर किसको कहेंगे बोला? आगे का जो बाबू फ्रंट वाला जो दो है ना, आपका चपटा सा दांत है, आगे का जो ई 4 के चपटा सा दांत है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंसीजर कहेंगे। क्या कहेंगे? इंसीजर कहेंगे। तो टोटल इंसीजर कई गो? 8 गो। 4 गो इंसीजर ऊपर और 4 गो इंसीजर नीचे, तो टोटल इंसीजर कई गो? 8 गो है ना। तो टोटल इंसीजर कई कितना? 8 गो। 8 गो है ना बाबू। ठीक, अब इसका फंक्शन क्या है सर? इसका फंक्शन आपको समझना है ना बाबू। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? बाइटिंग करने में, जैसे मान लो बिस्कुट वगैरह खाते हो, बिस्कुट तोड़ते हो है ना, तो आगे से ना तोड़ते हो जी, बिस्कुट खाते हो, बाइट करते हो है ना, जैसे आपको क्या स्नैक्स खाते हो ऐसे का है ना। तो इसका काम क्या है बाबू? बाइटिंग करने में। इसका काम बाइटिंग करने में है ना बाबू, मतलब क्या वो काटने में। अरे सदा सांद्रो, इंसीजर को हम लोग यूज कहाँ करेंगे बाबू? बायो है ना, काटने में है ना। आगे का 4 दांत होता है उससे हम लोग क्या करते हैं? काटते हैं ना, काटते हैं। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ठीक है ना। तो यही आपका इंसीजर हो गया, याद करते चलना। अगला फिर क्या है बाबू? इंसीजर के बाद कैनाइंस है। इंसीजर के बाद क्या? कैनाइंस है। तो आप लोग देखना, आप शांति समझो। 4 दांत के बाबू है ना, 4 दांत में बाबू, 4 दांत के बाद एगो देखना, दांत नुखीला जैसा रहता है। एक 4 दांत के बाद एगो दांत जो यहाँ पे नुखीला जैसा रहता है, नुखीला जैसा है ना, नुखीला जैसा है ना, शेर जैसे। आप लोग शेर का कैसे दांत देखते हो है ना, एकदम मांस पकड़ के खींच के खाता है ना। एपिक्राम वीडियो ऑन करो जी। तो 4 दांत के बगल में एगो जो नुखीला जैसा दांत है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कनाइन कहते हैं। उसको हम लोग क्या कहेंगे? कनाइन कहेंगे है ना बाबू। आप लोग के 4 गो दांत आगे से फ्रंट देखो ना जी, 1 2 3 4, एक बगल में एगो नुखीला इधर, एगो इधर नुखीला इधर। बराबर मेरा वाला खिया गया ठीक है ना, हमारा ये जब हम ऊपर जाने ही वाला है ठीक है ना, तो खिया गया है ना, मैंने घिस गया। है क्या ऊपर जाने हाँ घिस गया। आप लोग का भी बच्चे हो तो जो आपका कनाइन होगा ना, नुखीला जैसा होगा, जैसे शेर का दांत कैसे होता है ना, नुखीला वाला उसी तरह से होता बाबा मेरा तो एक है ना। किनाई ऐसे तनिश्ता ठीक है। तो ये क्या होता है? कनाइन होता है, जो नुखीला वाला होता है कनाइन होता है। इससे हम लोग क्या करते हैं? टीयर कहते हैं। जैसे कोई भी चीज बाबू कैसे है ना, एकदम है ना घींच के, जैसे चिकन वगैरह खाना तो उसको लिए नुखीला दांत चाहिए ना जी। चिकन घी देखो, पीस चिकन में बाबू लेग पीस खाना है तो उसको पकड़ के घींचोगे, तो घींचने का जो काम होता है, टीयर फाड़ने का जो काम होता है ना चिकन लेग फाड़। पीस जरूरी थोड़ी है, चिकन चिल्ली भी खा सकते हैं। अच्छा ठीक है, जो फाड़ने का काम करता है कौन करता है? आपका कनाइन करता है। कोई भी चीज का ऐसे फाड़ घींचोगे ना तो जो नुखीला होता है ना, नुखीला क्या होता है? ऊपर ऊपर भी नुखीला दांत है, नीचे भी नुखीला दांत। तो दोनों क्या होता है? आपस में ऑब्जेक्ट को क्या करेगा है ना, कस के पकड़ लेगा नुकीला ऑब्जेक्ट को। कैसे शेर सब देखते बाबू, पंजा है ना, मुंह से पकड़ता था छोड़ता नहीं, क्योंकि उसका दांत में क्या होता है? एकदम नुखीला होता है ना बाबू, क्या होता है? शार्प दांत होता है, शार्प इंसिजर दांत टूट होता है जाएगा। ना, ठीक है ना, नहीं टूटेगा। तो जो शार्प दांत है बाबू उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका कनाइन कहेंगे। अगला क्या है बाबू? कनाइन कहेंगे उसको है ना, समझते चलना। देखो बोला इसमें इमेज बाबू,
नेक्स्ट बोला या सबसे पूछेंगे कितना कौन है जो बी सी डी। सर है? मेरा तो एक एनाइन दांत उगा ही नहीं है, ऊपर ही है अभी। अच्छा अभी ठीक है, तो यहाँ से चार गो को छोड़ के एगो इधर एगो इधर है ना, तो कनाइन की संख्या कितना? एक तीन जाम अंडा में होगा। कनाइन की संख्या टोटल चार गो, दो गो नीचे और दो गो ऊपर, दो नीचे कनाइन और दो ऊपर कनाइन है ना, दो नीचे कनाइन और दो ऊपर कनाइन है ना, तो एक इधर एक कनाइन होगा, एक इधर होगा, एक इधर होगा, इधर होगा। कुछ चीज को चिकन लेग पीस को वगैरह खाना तो हम लोग कनाइने की सहायता से उसको क्या करते हैं है ना, पकड़ कैसे करके घींचते हैं ना, तो ये आपका क्या करता है, फाड़ने का काम करेगा। पियर्स और टियरिंग, ये आपका कनाइन क्या करेगा, फाड़ने का काम करेगा, और ये आपका जो इंसीजर है तोड़ने का काम करेगा, बाइटिंग करने का काम करेगा। अगला है बाबू क्या है, प्रीमोलर है। अगला क्या है, प्रीमोलर, अंदर चलो दांत का, तो दांत में अंदर चलो बाबू, तो आपको सपाट जैसा प्लेन अंडर जैसा अंडर डाइट रहेगा ना, तो प्लेन जैसा दिखाई देगा, कैसा दिखाई देगा, प्लेन जैसा है ना ठीक, तो जो प्लेन जैसा अंदर दिखाई देगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रीमोलर। क्या कहेंगे, प्रीमोलर कहेंगे, क्या कहेंगे बोला, प्रीमोलर है ना, तो जो प्रीमोलर की संख्या होता है वो कितना होगा, आठ गो होगा, तो प्रीमोलर आठ गो, तो चार गो नीचे वाला जाम है, चार गो ऊपर वाला जाम है ठीक। अब चार गो में भी बंटवारा होगा, दो गो इस साइड प्रीमोलर, दो गो इस साइड, टोटल 32 दांत है, तो 16 गो ऊपर 16 गो नीचे, और 16 गो में बाबू बीच बहुत पिटेंगे जी, किसका जी, नेक्स्ट बोला, यहाँ से करोगे तो आधा सिमेट्रिकल है ना, तो आधा आठ इधर आठ इधर, तो आठ में बाबू प्रीमोलर टोटल आठ गो, तो चार गो नीचे और चार गो ऊपर, अब चार गो नीचे में दो गो इधर और दो गो इधर है ना, दो गो इधर दो गो इधर ठीक। तो प्रीमोलर, प्रीमोलर क्या करता है बाबू, पीसने का काम करता है, जैसे आप लोग है ना, जैसे ये मिक्सी मशीन में पीसने का काम करा है, जैसे कुछ भी चीज खाते हो तो उसको पीसने का काम कौन करेगा, प्री मोलर और मोलर दोनों का काम क्या है बाबू, ग्रिंडिंग करना, क्या करना, पिसाई करना। लेग पीस खाया, पकड़ के तोड़ा, सही तो तोड़ा है ना, पकड़ के उसको क्या किया, तोड़े, अब उसको पीसोगे है ना, उसको महीन महीन छोटे छोटे पीस में तोड़ोगे ना, तो वो काम अंदर वाला दांत है ना, प्री आपका बाबू जो इंसीजर उसके अंदर में दांत देखो तो कहता है ना, चौला किया। चौला दांत होगा, क्या होता है, चौला चौला होगा है ना, अंग्रेजा का क्या होगा, चौला चौला दांत होगा ना, तो जो चौला चौला दांत है बाबू वही आपका चला क्या चला है ना, वो है ना जो सपाट सपाट है ना, देखो पापा जी का मुंह जाके एक्सपेरिमेंट करना, पापा जी के माउथ में ठीक है ना, तो जो सर लास्ट वाला दांत आपके है मुंह में अरे कर देंगे। सर मेरे पास थोड़ी हो, हम आएंगे पिटने के लिए तब करना ठीक है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, तो ये मेरा क्या होता है लास्ट वाला बाबू, प्रीमोलर था, प्रीमोलर की संख्या एट, कितना एट, चार फोर अपर जा और फोर लोअर जा, लोअर जा में फोर किधर, टू इस साइड लेफ्ट साइड और टू राइट साइड है ना, इस तरह से था। पीली मोरा का फंक्शन क्या है, ग्रिंडिंग करना, पीसने वाला है ना, उसको क्या करना है ना, चावल कुछ खाते तो उसको छोटे छोटे पीस में कैसे ब्रेक करता है ना, तो वही आपका पीली मोलर का फंक्शन है ना। उसके बाद लास्ट में बाबू आपका जाएगा मोलर, सबसे लास्ट वाला दांत है ना, सबसे अकल लास्ट की वाला दांत, तरफ हाँ सबसे लास्ट वाला जो दांत होता है आपका क्या होता है, मोलर दांत होता है, क्या होता है, मोलर होता है ना, मोलर होता है ठीक है। नेक्स्ट भागो ठीक है, प्रीमोलर हो गया, प्रीमोलर अंडा जैसा क्यों लग रहा है? वो बाहर निकलेगा ना आपका तो पता चलेगा शैतान, नेक्स्ट बोला ठीक। तो इतने सारे आपका क्या है दांत है, प्रीमोलर की संख्या के मोलर की संख्या 12, फिर याद रखना आपके पास कनाइन है बाबू, इंसीजर की संख्या कितना आठ, कनाइन की संख्या कितना चार, कनाइन नोखिला वाला दांत का, दांत का था जो नोखिला जिसमें बाबू है ना, हाँ मैंने आप शेर वाला पंजा टाइप का दांत है, नोखिला है ना सर ठीक। टेनिस टेस्ट अरे सांद्रो, तो इंसीजर की संख्या कनाइन की संख्या कितना चार, कनाइन की संख्या कितना चार, प्रीमोलर कितना आठ, अब मोलर्स कितना 12, तो 12 में 6 नीचे और 6 ऊपर, और 6 नीचे में 3 इधर और 3 इधर, तो इस तरह से क्या है मेरा बाबू, दांत का पूरा क्या है, कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है, कंप्लीट क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, सबका फंक्शन। में रहता है सर, चार चार में बोला अरे शैतान, 12 गो में 6 रहे, पूरा मोलर की संख्या 12, तो 6 ऊपर वाला जाम है आ आ, 6 नीचे वाला जाम है, अब इधर से आधा से यहाँ से कट करोगे तो 3 इस साइड मिलेगा और 3 इस साइड मिलेगा, समझा, समझी बोली इतना। क्या सर बोला नेक्स्ट सर नेक्स्ट अटेंडेंस बाबू आगे, टेस्ट तभी अरे और शैतान पढ़ा पहले, हाँ जी इसको खत्म कीजिए दांत, इसका फिर टेबल बनाना है, कति और पढ़ाएंगे बनता है सर। नेक्स्ट बाबू, आगे लिखिए आगे लिखिए आगे लिखिए, फंक्शन सर बाबू, थ्री मोलर कितने
प्री मोलर अमोलर ये दोनों का फंक्शन है चबाने वाला काम, है ना, ग्राइंडिंग करने, पिसाई करने का काम। इसके नीचे लिखो बाबू, थर्ड लाइन लिखिए, मेन द मेन फंक्शन ऑफ फंक्शन प्री मोलर इज बाबू प्री च्यूइंग मोलर एंड इज टू ग्राइंडिंग। ग्राइंड द फूड। नेक्स्ट, द मेन फंक्शन प्री मोलर में लिखो, द मेन फंक्शन ऑफ प्री मोलर इज ट्यूनिंग एंड ग्राइंडिंग, चिवाने का काम, च्यूइंग एंड, अच्छा बर्ड मीनिंग बाबू यही लिख रहे हैं ना, आपका मेस्टिकेशन आगे पढ़ाएंगे, मेस्टिकेशन चबाना, वही बर्ड मीनिंग में लिखा देंगे, ग्राइंडिंग बाबू। नेक्स्ट बोला मोलर्स, चौथा नंबर कौन सा होगा, मोलर्स होगा। तो नंबर याद रखना, कोजा कितना होता है, ऊपर वाला लिखवा रहे। अच्छा ये टॉपिक है प्री मोलर में, प्री मोलर में लिखना है। आ रहा वीडियो ऑन करो, आ रहा बाबू ऑन करो। नेक्स्ट बोला, आज बहुत सारा बच्चा नहीं आया जी, सैटरडे है ना, सैटरडे को ऐसे बस कर याद आता है। मोलर सर बाबू, मोलर्स लाइक सर, मोलर ला, स्लाइस थोड़ी होगा, मोलर स्लाइस। मोलर लाइज बाबू नेक्स्ट टू द प्री मोलर, प्री मोलर के बाद कौन रहेगा, मोलर रहेगा। हेलो इधर, म्यूट करो बाबू, एट द एंड ऑफ जा, सर हाँ बोला। आपने मुझे रिकॉर्डिंग करने का परमिशन दे दिया था गलती से। अच्छा ठीक है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ मोलर इज, टूबेल टोटल मोलर कै गो, 12 गो, 6 इन ईच जा, 12 गो में 6 गो ऊपर 6 गो नीचे। ठीक तो वहां पे मोलर सीख लीजिए सर। अच्छा, अब ईज लिया है बाबू तो फिर चेंज करना। हाँ बोला, आप वो बताएंगे कि अपर जो लोअर जो के बारे में। नहीं बाबू उतना नहीं करना, द मेन फंक्शन प्री मोलर, मोलर का फंक्शन सेम है बाबू, दोनों का काम है पीसना। सर टाइम हो गया। अच्छा लिखो ना एक लाइन, टाइम हो गया। तमा घोषे मेरे तमा। मोहे म्यूट कीजिए जी, मोहे सर कुछ मोहे कर एक टेबल है भोले, ये किसका टेबल। सारे का जितना है बाबू, सारे का टेबल एक बनाना है, चलो बाद में बना लेंगे हम लोग। वर्ड मीनिंग क्लास खत्म से वर्ड मीनिंग मोए एक मोए। होता, अच्छा ठीक है, मेस्टिकेशन होता है, बर्ड मीनिंग कितना नंबर होगा जी, 73 से 73। मेस्टिकेशन इसको डिफाइन करेंगे बाद में, चबाना, मेस्टिकेशन मतलब क्या होता है, चबाना होता है सर जो हम लोग, चुनिंग और इसमें कौन वर्ड था, ट्यूनिंग, सर ट्यूनिंग में फिर क्या मैं होता आज है, चबाना, वाला और कल वाला कल भेज नहीं दूँ। डायरी हल्ला मत कीजिए। ग्राइंडिंग मतलब क्या था बहू, पीसना, लोग को नहीं पता है क्या पीसना। ग्राइंड पता है जी,
यस सर, मिक्सी को तो रोज ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड मिक्सी को ग्राइंड सर, मिक्सी को ग्राइंड कर देती हो सर। अरे मैंने बस मिक्सी को बोल रहा है ग्राइंड करते मिक्सी हैं में सर, ग्राइंड करते हैं मिक्सी अच्छा ठीक है, हल्ला मत करो, हल्ला मत करो, हल्ला मत कीजिए, ठीक है ना, बस सर। बहुत प्रॉस्परस, क्या बोला, परस्परस, प्रॉस्परस, प्रॉस्परस बोल आगे रहा, लिखाएंगे एकड़ा वेकड़ा मर ला डीसीडीएस, डीसीडीएस सर। मैंने तो ग्राइंडिंग लिख दिया सर। ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट लगा दिए फॉरेस्ट, टीथ भी होता है, डिसीडियस फॉरेस्ट बीमारी होता है ना, इसको आप का लोग क्या टीथ कहते हटाइए सर, सबको बता हैं, दे। हाँ अरे सत्यन शांत रहो, इसको मिल्क टीथ कहते हैं, ठीक है सर, हटाइए 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 यही हटाइए। आपका मिल्क टीथ होता है। ओआरएस की घोल सबको बजा दे। दूध का दांत हाँ बाबू सर, जस्ट तो थोड़ा मिल्क दिन का टीथ काहे को लिखे हैं, दूध का दांत लिखिए ना सर। आइसन सर, डेसिडियस मतलब सीडियस फॉरेस्ट, डेसिडुअस फॉरेस्ट का टीथ, डेसिडियस अच्छा हल्ला मत करो, शांति से सुनो, डिसीडियस जैसे ट्रीज के ऊपर डिसीडियस क्या टीथ होता है, जैसे फॉरेस्ट होता है ना बाबू, कुछ दिन को उसका में पत्ती जा। झड़ जाता है, उसी तरह से दांत है ना बाबू, एक दांत अप है ना, बच्चे का दांत, बच्चे का जो दांत होता है बाबू 6 से 8 साल में क्या होता है, जिसको हम लोग मिल का दांत कहते हैं, उसी को कहते हैं हाँ डिसीडियस, क्या सर, डिसीडियस ये मतलब चीज का, हमारे दांतों जब के पेड़ अंदर बूढ़ा होने जानवर लगता है रहते तब हैं, उसको, उसको डिसीडुअस टीथ होता है, यानी कि दूध का दांत, अच्छा क्योंकि हाँ ट्री भी बाबू दूध हल्ला पीता मत करो है। शान, अरे हल्ला करता है शैतानी से, बाय सर, बाय सर, अरे बाय सर सर, हमारे मिल्क दांतों मिल्क में, मिल्क सर, हल्ला हमारे मत कर दांतों में दीजिए,